वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो कैसे हो आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी मसूरी से हम चाय पी रहे हैं और व्यू आपको दिखाऊं हम किस व्यू में चाय पी रहे हैं। इस व्यू में चाय पी रहे हैं आपको दिखा देता हूँ मैं ढंग से ना, आपको बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ कि हम किस व्यू में चाय पी रहे हैं। तो गाइस ये देखो, इस व्यू में हम चाय पी रहे हैं। ऐसी चाय हमें दोबारा नहीं मिलेगी क्योंकि हम आज हम जाने वाले हैं वापसी। तो अभी वापसी है ना, मेरा बहुत मजा करते हुए जाने वाले हैं क्योंकि हम बीच में देखेंगे कि हम रुकने वाले मिनी मसूरी में। और ये देखो पहाड़ी पहाड़ देखो, कितने बढ़िया सेक्सी पहाड़ है ना कि हमको बता ही नहीं सकता। और यहाँ चाय पीने का मज़ा ही कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग है क्योंकि ये माल रोड पे हम यहाँ पे दोबारा आके चाय पी रहे हैं। देखो पूरी माल रोड है यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमारी चाय वाय हो गई बढ़िया, और माल रोड पे हमें भी घूम रहे बहुत ज़्यादा, मतलब कम हो गया क्राउड, बहुत कम हो गया क्राउड एकदम से। एक तारीख है ना आज, इसलिए कम हो गया। यहाँ पे देखो कितना कल कैसे कितना भरा हुआ था, आज देखो पूरा खाली 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 खाली। उस साइड बस देखो, उस साइड ये साइड है ना जहाँ भी गाड़ी है अपनी, हमारे पास अपनी गाड़ी है, ठीक है। शर्म आ गया भाई, तो मैं तो कह रहा टैक्सी, मैंने कहा ना भाई ना टैक्सी को नहीं चाहिए, हम फिर गाड़ी है अपनी, अपनी गाड़ी लेके आ रहे हम। और यहाँ पे देखो क्राउड देखो, पहले तो इधर इधर है बस थोड़ा बहुत, पूरी माल रोड ना खाली होगी। यहाँ पे वासु देखो ऐसे घूम रहा है इतनी धूप में भी। क्यों वासु, क्या हाल है? बढ़िया भाई, कैसा रहा न्यू ईयर? मस्त एकदम सेक्सी एकदम। न्यू ईयर जैसे हमने मनाया है शायद ही किसी ने मनाया होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मजा आया हमें तो, क्योंकि वहाँ पर बहुत काफ़ी पाबंदियाँ थी, यहाँ भी थी लेकिन यहाँ 11 बजे के बाद थी, लेकिन 11 बजे तक बहुत कुछ हम घूमे फिरे, सब कुछ करा हमने, बहुत मजा आया यहाँ तो हमें। तो गाइस अब ये देखो, हम ना ये देख रहे हैं यहाँ से ना वो पहाड़ है ना वो बर्फ वाला, ये देखो हमने बहुत तगड़ा दिखा था इससे, अंकल ने दिखाया और ये 50 रुपये लिया था अंकल ने, देख लो गाइस बहुत ही मतलब सही था। ये जो बर्फ वाला था ना बहुत तगड़ा दिखा हमें भाई, मैंने भी देखा 50 रुपये का, बढ़िया। मेरा भाई ने भी, वासु ने भी, हम सब ने देख लिया यहाँ पे, मजा आ गया। एक तो ये व्यू यहाँ से, इस व्यू से भी फालतू आगे देखना हो ना तो इससे देखो भाई, मजा आ गया यार, कभी खींच के मजा आया, सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो गाइस ये देखो यहाँ पे मसूरी में कैंप की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि हमारा रूम भी मतलब यहीं जाके है। कैंप का ना व्यू देखो ऐसे दिखता है, कैंप से जो व्यू दिखेगा ना बिल्कुल वहाँ सामने पर भी बर्फ है, वो हमें ना बहुत क्लोज दिख रहा है, यहाँ कैमरे में आ नहीं रहा ढंग से, लेकिन कैंप की फैसिलिटी मेरे को बहुत ज़्यादा सही लग रही है। यहाँ पे कैंप में रुक सकते हो जिसको एक्सपीरियंस लेना है मसूरी में, चार्जेस वगैरह देख लेंगे। अगर मैं पूछ के आया तो बता दूंगा आप लोगों को भी कि कितने, नहीं अगर नहीं हो पाया तो देख लूँगा, क्योंकि हम निकलने की सोच रहे हैं अभी थोड़ी देर तक। और ये पहाड़ बहुत ज़्यादा पास है, इतनी दूर नहीं लग रहे, कैमरे में बहुत दूर लग रहे, बहुत पास है, लेकिन ये बर्फ़ वाले तो बहुत पास। बाय बाय छोटू बाय, नो कर दो, अच्छा नो कर दो, नो कर दो, नो ओ, अब गुस्से में है मेरे हिसाब से तो। बाय बाय जी जी, बाय 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 भाई। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और देखो कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, मैं बैग लेके, मेरे हाथ में 3 बैग, एक हाथ में, दो शोल्डर पे, मुन्ना भैया के पास भी 3 होंगे पास। वीडियो में ही बैग दिया। सही है। तो गाइस अभी हम दोबारा यहाँ पे माल रोड घूम रहे थे क्योंकि वासु को घर के लिए शॉपिंग करनी थी, और वहाँ पे अंदर शॉपिंग कर रहा है घर के लिए, और यहाँ पे हम माल रोड पे फिर से घूमने आ गए। यहाँ पे पहाड़ का व्यू देखो, पहले यहाँ से जो दिखता आगे जाके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखता है, आप लोगों को पिछली बार दिखाया मैंने। और जल्दी से हम भी यहाँ से निकलेंगे और मसूरी लेक रुकेंगे, वहाँ पे करेंगे हम जिप लाइन करेंगे जल्दी से। तो जिप लाइन के लिए आप तैयार हो ना, पूरे तैयार, क्योंकि हम, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जिप लाइन करने के लिए। तो आप लोग भी देखना कि हम कैसे करेंगे और कैसी होने वाली हमारी जिप लाइन। तो गाइस अभी हम यहाँ से मसूरी से निकल चुके हैं और वासु पी रहा है फ्रूटी, जस्ट अभी अभी निकले, माल रोड हमने क्रॉस करके नीचे उतर रहे, गोल गोल रास्ता हो तो लोगों को पहले गोल गोल रास्ता दिखाता हूँ, फिर हम एक स्टॉप लेंगे मसूरी लेक पे लेंगे, वहाँ मिलूँगा फिर आपसे मैं। गाइस अभी हम यहाँ पे शिकंजी पीने के लिए रुके हैं क्योंकि ना थोड़ा मतलब पहाड़ी रास्ता है ना, तो पेट वेट थोड़ा अजीब सा हो जाता है, उल्टी पुल्टी का होना हो, क्योंकि हम ना अभी मतलब खाली पेट चले हैं चाय पी के, क्योंकि खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि अभी इतनी जल्दी। और हमने ना बीच में जब हम ऊपर आ रहे थे ना एक बार देहरादून से, तो बहुत अच्छा कैफ़े था, तो हम वहीं से खाएंगे, तो हमने कहा कि वहीं रुकेंगे, थोड़ा नीचे है वो। और गाड़ी की हालत देखो क्या हालत हो गई है, ये देखो पूरी गंदी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गंदी है, आपको लग रही होगी कि हमें देखो बहुत ही ज़्यादा सीन हो गया मेरी गाड़ी के साथ तो इस बार।
और चल रहे हैं, पहले शिकंजी पी लेता हूँ, मेरी भी बन गई है वहाँ पे, वासुओं ने बनवाई है। अभी आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि हम कहाँ रुक के शिकंजी पी रहे हैं। गाइस ये देखो शिकंजी हम कहाँ पी रहे हैं, ऐसे पहाड़ के बिल्कुल बीच में पी रहे हैं। यहाँ से इतने ट्रैफिक आ रहे थे, बिल्कुल रोड कैसी, देखो पहाड़ है बिल्कुल ऐसी। इस जगह हम शिकंजी पी रहे हैं, देखो हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है थोड़ी दूर, और शिकंजी पी के हम फटाफट चलते हैं। गाइस अभी हम मसूरी से भी मतलब नीचे उतर आए, क्योंकि ना मतलब वहाँ पे ना कोविड की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है शायद, और वहाँ मसूरी लेक जो थी वो बिल्कुल शायद बंद कर रखी थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो हम नीचे भी उतर आए, हमने कोई फायदा नहीं है, फिर जल्दी पहले घर चलते हैं क्योंकि लॉकडाउन का सीन ना हो जाए और हम भी यहाँ फंस फंसा जाए। तो आज हम पहले अभी देहरादून आ गए हैं, देहरादून में हम डोमिनोज जा रहे हैं कुछ खाने पीने जा रहे हैं। हम पहले भी आए थे जिस दिन गाड़ी ठुकी थी उस दिन डोमिनोज आए थे, और अब आए जब दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाले रूट पे ही पड़ता है, तो हमने कहा डोमिनोज ही चलते हैं पहले देहरादून रुक के, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया सुबह से हमने, एक शिकंजी और एक चाय पे चल रहे हैं, दो चाय तो मैंने तो दो पी थी। तो गाइस अभी हम यहाँ पे, हमारा पिज्ज़ा आ चुका है डोमिनोज में, और हमने झींगे पार्सल लिया, टोमेटो पिज्ज़ा लिया, झींगे पार्सल भी सबने लिया, खा के जल्दी से निकलते हैं हम यहाँ से, क्योंकि अब हम देहरादून रुके हैं, दिल्ली रुकेंगे अब डायरेक्ट और घर जाके रुकेंगे। अब यहाँ पे हमें आ चुके हैं, मतलब हम कहीं कोई पता नहीं कहाँ आ चुके हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन ना व्यू दिखाता हूँ आप लोगों की कहाँ क्या व्यू चल रहा है यहाँ पे, और बंदर ही बंदर यहाँ पे है ये देखो यहाँ पे, और ये देखो पहले रूट देखो, पहले तो रूट कितना तकड़ा रूट है यहाँ पे, मतलब लोकेशन व्यू पहाड़ ये वो वासु मुनैया, और ये देखो हम सहारनपुर पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, सहारनपुर आने वाला है, और पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़ी एरिया, अभी तक पहाड़ ना हमारे पीछा नहीं छोड़ रहे, और ना सर में दर्द हो रहा है हमारे, इतने पहाड़ है ना, अब हम थक गए हैं, मतलब पहाड़ पहाड़ से अब चाहते कि जल्दी ख़त्म हो। तो गाइस अभी हमारा ब्रेक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया हुआ है ना, 10 मिनट का लिया ना, थक गया वासु के सर में दर्द हो रहा है, और यहाँ पे हम मेरे भी हो रहा है, वीडियो फोटो सेशन जल्दी से कम्प्लीट करके हम यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ही बंदर है, टोपी यहाँ पता नहीं हमारे पीछे कैसे आ गया, हमें तो मना कर रहा था कि मैं नहीं आ रहा, लेकिन आ गया, टोपी भी यहाँ है, अब धूप निकल गई है, ये क्या बोल रहा है सब बड़े भाई सब इतनी गर्मी हो रही है, और ये कैप पहन रहा है, मैंने भी अंदर दो दो तीन दिन गर्म बनियान पहन रखी है, और बहुत गर्मी हो रही है भाई साहब, बहुत बुरा हाल हो गया, घर जाके उतरे, इतनी लेयर बना रखी है ना हमने अंदर, मैं तो बता नहीं सकता, मफलर पफलर स्वेट शर्ट इसके अंदर तो स्वेटर है, स्वेटर के अंदर गरम बनियान है, गरम बनियान है, गरम बनियान तो दिखा चुद गए भाई ये तो गरम बनियान, फिर उसके अंदर भी गरम बनियान उसने, ये तो और मान है इसकी, तो भाई बहुत तगड़ी लेयर बनी हुई है। चलते हैं, ब्रेक ओवर हो गया। तो गाइस अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर, तो अभी यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा हमें, कुछ ड्राइव करते हुए कितना टाइम हो गया, ड्राइव करते हुए 4 घंटे हो गए, ज्यादा हो गए, तो अभी भी देखो कितना दिखा रहा है, 2 घंटे और दिखा रहा है, अराइवल 6 बजे दिखा रहा है, और बहुत ज्यादा हो गया हमें टाइम, कितने घंटे हो गए, 5-6 घंटे हो गए, 5-6 घंटे हो गए, अभी 10 बजे चले थे वहां से, 10 बजे चले थे, देखा 3-4 बजने वाले हैं, ओ भाई 6 घंटे हो गए भाई साहब। तो देखते हैं गाइस यहां पे थोड़ा सा जाम मिला है अभी हाईवे पे, तो अब और कितना टाइम लगेगा ये देखने वाली बात होगी, और फटाफट से चल रहे हैं अभी हम। तो गाइस पूरे 1000 किलोमीटर हम यहाँ पे चल चुके हैं, और ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं 1000 किलोमीटर पूरे यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने बढ़िया लग रहा है ना मेरे को, कि मैं 1000 किलोमीटर गाड़ी हम ट्रिप पे दौड़ा के ले आया है, और अभी हम यहाँ पे मोदी नगर क्रॉस करके मुरादनगर आ चुके हैं, तो पहले वासु को छोड़ेंगे मुरादनगर, फिर चलेंगे हम दिल्ली पे, ठीक है ना। यहाँ पे वासु हो चुका है जाने के लिए रेडी है, देखो इसका स्टॉप आ गया, भाई लेने आया है वासु को, क्या हाल है भाई के, बढ़िया। एक भाई ना एक ट्रैक दिखा रहा है, वो देख लूं पहले गाइस मैं, ठीक है वासु, बाय 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 मेरी जान, जल्दी मिलेंगे फिर से दोबारा, ठीक है बाय बाय, जान से जाइयो, ठीक है चलो ओके, बाय 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 ब्रो, बाय 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 बाय।